गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे ऑप्टिस कोडिंग सिस्टम के बारे में कि ऑप्टिस कोडिंग सिस्टम क्या होती है। तो एक ये कोडिंग सिस्टम होता है जिसमें तीन सेक्शन होते हैं कोड के, जो स्टार्ट होते हैं 5 डिजिट ज्योमेट्रिक फॉर्म कोड से। ठीक है, दोबारा देखिए कि ये कोडिंग सिस्टम होता है जिसमें तीन सेक्शन होते हैं अलग अलग, इसमें तीन सेक्शन होंगे और जो कोड होगा वो स्टार्ट होगा 5 डिजिट ज्योमेट्रिक फॉर्म कोड से। जैसे कि शुरू करते हैं हम, 5 डिजिट कोड है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डिजिट ज्योमेट्रिक कोड होगा जिसमें फर्स्ट वाला है वो क्या होगा, वो होगा पार्ट क्लास का। पार्ट क्लास में क्या था, रैशनल है या फिर प्रिज्मेटिक है। रैशनल प्रिज्मेटिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप एक बार जाके देख लीजिएगा वीडियो को। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, इंटरनल शेप के बारे में कि इंटरनल शेप कहती कैसी है उसकी। तीसरा होता है एक्सटर्नल शेप के बारे में कि एक्सटर्नल शेप कैसी है। और फोर्थ आता है प्लेन सरफेस के बारे में कि जो भी प्लेन सरफेस उसके फीचर कैसे हैं प्लेन सरफेस के। ठीक है, फिफ्थ आता है एक्सिलरी फीचर। एक्सिलरी फीचर कौन सा, जैसे होल हो गए किसी भी प्रोडक्ट में, होल हो गए या फिर टीथ हो गए, वो बताता है हमें जो फिफ्थ वाला कोड होता है। डिजिट की पोजीशन बताई गई है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो डिजिट कोड लिखे होते हैं ये हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला होगा पार्ट क्लास बताएगा, सेकंड इंटरनल स्पेस, थर्ड एक्सटर्नल स्पेस और फोर्थ बताएगा प्लेन सरफेस फीचर के बारे में और फिफ्थ बताएगा ऑक्सिलरी फीचर के बारे में। जैसे कि होल हो या फिर उसके ऊपर होल होगा या फिर टीथ होंगे उसके बारे में बताया जाएगा। ये फर्स्ट सेक्शन था, थर्ड से तीन सेक्शन होते हैं। सेकंड सेक्शन में क्या होगा, देखिए सेकंड सेक्शन में क्या होगा, 4 डिजिट कोड होंगे, 4 डिजिट कोड होगा। जो कोड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इन्फॉर्मेशन सच एज जैसे कि डायमेंशन हो गया, उसका मटेरियल होगा, उसकी एक्यूरेसी होगी। ठीक है, ये सब कुछ क्या करेगी, सेकंड सेक्शन वाले जो 4 डिजिट का कोड होगा वो ये डिफाइन करेगा कि डायमेंशन क्या है, मटेरियल क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है। उसके बाद आ गया थर्ड कोड, तीन कोड थे, थर्ड कोड आ गया। ये क्या सेकेंडरी कोड होता है, इसमें भी 4 डिजिट होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देता है उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लगे हुए हैं या फिर उसने कौन कौन सी सीक्वेंस है वो पास किए, पास हुआ है जो भी प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, तो हमने तीन कोड पढ़े। पहले कोड है वो 5 कोड से मिलकर बना है जो कि फीचर्स बताएगा उसके, कौन कौन से फीचर है, प्लेन सरफेस है, टेक्सचर है उसके ऊपर, उसकी शेप कैसी, एक्सटर्नल शेप कैसी, उसकी इंटरनल शेप कैसी, उसकी पार्ट क्लास। ठीक है, जो सेकंड वाला होगा वो 4 डिजिट का कोड होगा जो आपको उसके डिमेंशन, मटेरियल और एक्यूरेसी के बारे में बताएगा। थर्ड कोड होगा वो भी 4 डिजिट का कोड होगा, ये सेकेंडरी कोड होगा मगर, और वो बताएगा कि इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लगे हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशन कौन कौन से लगे हैं उसके ऊपर, और सीक्वेंस कौन कौन सी लाइन वाइज सीक्वेंस के बारे में वो बताएगा। पहले ज्योमेट्रिक कोड, फिर सप्लीमेंट्री कोड और फिर आएगा सेकेंडरी कोड। तो ये था हमारा ऑप्टिस कोडिंग सिस्टम जो कि हमने आज की वीडियो में देखा कि ऑप्टिस कोडिंग सिस्टम क्या होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।